बीजेपी नेता अनिल जैन से कहा कि हरियाणा में स्पष्ट रूप से उनकी सरकार आएगी। इधर उधर की बातें ना घुमाई जाएं, जीतेगी बीजेपी, हरियाणा में हमारी ही सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने। हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे साथ बात कर अनिल जैन है जो बीजेपी के प्रभारी भी हैं और साथ में महासचिव भी। सर, किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा, आप 45 से नीचे ही रह रहे हैं, क्या लगता है क्यों, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, देखिए अभी बहुत कम राउंड हुए हैं, 16 राउंड की काउंटिंग है और ये हो सकता है कि मार्जिन कम रहे, लेकिन हम स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी ऐसा मुझे लगता है। सर, कांग्रेस ने ऑफर किया है दुष्यंत चौटाला को वो सीएम पद का ले ले। अब कांग्रेस तो इस तरह की राजनीति करती, कांग्रेस को छटपटा था कि कहीं से कुछ हाथ में लग जाए। ये भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कमेंट नहीं करेगी। कांग्रेस ने ऐसे तो मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, क्या हाल हुआ था झारखंड का, देश का भी, प्रदेश का भी, राजनीति का भी कुंडा किया था। ऐसे ही उन्होंने कर्नाटक में किया। तो कांग्रेस छटपटाट में कुछ भी कर सकती, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। लेकिन हरियाणा की जहाँ तक बात है, दुष्यंत चौटाला राजनीति में पक गए हैं और देवीलाल जी की लीगेसी को लेकर चलते हैं। देवीलाल जी ने सारी उम्र एंटी कांग्रेस राजनीति की और अपने आप को स्थापित किया हरियाणा में, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के मंसूबे सफल होंगे। सही वजह से चौटाला भी कहा है कि मेरे लिए बीजेपी ना अछूत है ना कांग्रेस अछूत है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या कहा है और क्या स्थिति है। मैं तो जो राजनीतिक आंकलन है, एनालिसिस है, वो आपके सामने रखा। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्या मनोहर लाल खट्टर सीएम होंगे फिर से? आपने कहा पार्लियामेंट्री वोट देंगे, लेकिन आपने चुनाव से पहले उनको डिक्लेयर कर दिया कि उनके नेतृत्व चुनाव लड़ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा है, इसलिए ये प्रश्न बेमानी है। ये थे अनिल जैन, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही अगला चेहरा होंगे। कमलेश सिंह, R9 TV, दिल्ली।